स्वागत है आपका शिवम की गणित में। अगर आप EMRS TGT PGT की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए कंप्यूटर के मोस्ट इम्पोर्टेंट 30 क्वेश्चन लेके आए। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे तेज कंप्यूटर होता है तो सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा होता है इनमें से? तो सबसे तेज कंप्यूटर होता है सुपर कंप्यूटर। कौन सा कंप्यूटर? सुपर कंप्यूटर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है? तो माइक्रो प्रोसेसर है वो कौन सी पीढ़ी का कंप्यूटर है? तो ये है चतुर्थ पीढ़ी का, यानी कि फोर्थ जनरेशन का है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में निर्मित परम कंप्यूटर किस प्रकार का कंप्यूटर है? तो भारत में निर्मित परम कंप्यूटर ये कौन सी किस प्रकार का कंप्यूटर है? तो ये है सुपर कंप्यूटर। कौन सा कंप्यूटर? सुपर कंप्यूटर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गणना संयंत्र एबाकस का आविष्कार किस देश में हुआ? तो गणना संयंत्र एबाकस का आविष्कार किस देश में हुआ था? तो ये हुआ था चीन में। किस देश में हुआ था? चीन में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। IMAC एक प्रकार का है, तो IMAC एक प्रकार का क्या है? तो IMAC एक प्रकार का मशीन है। क्या है? एक प्रकार की मशीन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एनालिटिक इंजन का निर्माण किसने किया था? तो एनालिटिक इंजन का निर्माण किसने किया था? तो ये किया था चार्ल्स बेबेज ने। किसने किया था? चार्ल्स बेबेज ने किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सर्वप्रथम पंच कार्ड का प्रयोग किसने किया था? तो सर्वप्रथम पंच कार्ड का प्रयोग किसने किया था? तो ये किया था जोसेफ मेरी ने। किसने किया था? जोसेफ मेरी ने किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है? तो कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है? तो ये है वान न्यूमान का। किसका है? वान न्यूमान का है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया? तो इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया था? तो ये किया था JS किल्वी ने। किसने किया था? JS किल्वी ने किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है? तो चुंबकीय डिस्क पर किस प्रकार की परत होती है? तो इस पे होती है आयरन ऑक्साइड की परत। किस प्रकार की? आयरन ऑक्साइड की। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये करता है गणना पर। किस सिद्धांत पर? गणना पर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया है? तो भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया है? तो ये किया है CDAC ने। किसने किया है? CDAC ने किया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से तेज कौन सा? तो निम्न में से कौन सा तेज है, सबसे तेज है? तो वो है रजिस्टर्स। कौन है सबसे तेज? रजिस्टर्स है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसने पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ENIC को बनाया था? तो सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर किसने बनाया था ENIC को? तो ये बनाया था प्रेस्पर एकर्ट एंड जॉन मोजले ने। किसने? प्रेस्पर एकर्ट एंड जॉन मोजले ने। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डॉट मैट्रिक्स किस उपकरण की किस्म है? तो डॉट मैट्रिक्स किस उपकरण की किस्म है? तो ये है प्रिंटर की। किसकी? प्रिंटर की। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या कितनी होती है? तो कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या कितनी होती है? तो ये होती है 12। कितनी होती है? 12 होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस प्रिंटर द्वारा एक स्ट्रोक में एक अक्षर प्रिंट होता है? तो किस प्रिंटर द्वारा एक स्ट्रोक में एक अक्षर प्रिंट होता है? तो ये होता है लाइन प्रिंटर द्वारा। किस प्रिंटर द्वारा? लाइन प्रिंटर द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? तो इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? तो ये है मॉनिटर इनपुट डिवाइस नहीं है, बाकी ये तीनों इनपुट डिवाइसेस हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर है, तो सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर कौन है? तो सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर है लेजर प्रिंटर। कौन सा है? लेजर प्रिंटर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। LCD का पूरा नाम क्या है? तो LCD का फुल फॉर्म क्या है? तो LCD का फुल फॉर्म है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। क्या है? लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
कंप्यूटर के मेमोरी में डाले गए कार्य को प्रदर्शित करता है। तो कंप्यूटर के मेमोरी में डाले गए कार्य को कौन प्रदर्शित करता है? तो ये प्रदर्शित करता है मॉनिटर। कौन प्रदर्शित करता है? मॉनिटर प्रदर्शित करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गेम खेलना किससे आसान होता है? तो गेम खेलना किससे आसान होता है? तो गेम खेलना जॉयस्टिक से आसान होता है। किससे आसान होता है? जॉयस्टिक से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। CTR, शिफ्ट और एल्ट को कौन सी कुंजी कहते हैं? तो इनको कौन सी कुंजी कहते हैं? तो इनको कहते हैं मॉडिफायर। कौन सी कुंजी कहते हैं? मॉडिफायर कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अधिकांश प्रोडक्ट्स पर प्रिंटेड लाइनों के पैटर्न क्या कहते हैं? तो अधिकांश प्रोडक्ट्स पर प्रिंटेड लाइनों के पैटर्न को क्या कहते हैं? तो इनको कहते हैं बार कोड्स। क्या कहते हैं? बार कोड्स कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। OCR का पूर्ण रूप क्या? तो OCR का फुल फॉर्म क्या है? तो OCR का फुल फॉर्म है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। क्या है? ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है? तो निम्न में से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है? तो ये है टच स्क्रीन। कौन सा नहीं है? टच स्क्रीन नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्यक्तिगत कंप्यूटर हेतु सबसे साधारण स्टोरेज डिवाइस है? तो व्यक्तिगत कंप्यूटर हेतु सबसे साधारण स्टोरेज डिवाइस क्या है? तो ये है फ्लॉपी डिस्क। क्या है? फ्लॉपी डिस्क है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मॉनिटर के डिस्प्ले आकार को कैसे मापा जाता है? तो मॉनिटर के डिस्प्ले आकार को कैसे मापा जाता है? तो ये मापा जाता है डायगोनली। कैसे? डायगोनली नापा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर में प्रिंटेड डायग्राम पाने के लिए यूज किया जाने वाला इनपुट डिवाइस है? तो कंप्यूटर में प्रिंटेड डायग्राम पाने के लिए यूज किए जाने वाला इनपुट डिवाइस है, तो कौन सा डिवाइस है? तो ये है स्कैनर। कौन सा डिवाइस है? स्कैनर डिवाइस। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया था? तो पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया था? तो ये बनाया था डगलस एंजल बर्ट ने। किसने? डगलस एंजल बर्ट ने। तो आज के 30 क्वेश्चन आपको कैसे लगे? अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो लाइक करें और ऐसे ही क्वेश्चन देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।